Gracias.
गुजरात वाले जय गणेश जय Thank you.
होता है जबकि हम इस विशाल मंदिर तले बैठकर संपूर्ण की तीसरी रात्रि में और विराम देने के लिए उपस्थिति को दिए हैं। पंडित जी द्वारा यज्ञ संपन्न हुआ और चलो कुछ देर के लिए जो कुछ अंतिम रामायण की उसका पाठ करेंगे क्योंकि विसर्जन होगा। विसर्जन के बाद पुनः जो नकामा मंडली के सदस्य हैं उनके द्वारा पुनः एक बार फिर संकल्प किया जाएगा और रामायण माता की एक गुहा का पाठ किया जाएगा और तत्पश्चात इति शांति पाठ। और आप सभी को मालूम है कि आज गिरमुख दिवस है और इस पे तो काफी प्रकाश डाला गया है लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ वक्तागण है और हम दिवस की सेलिब्रेशन भी अंत में करेंगे क्योंकि अगर वो ना होते तो शायद आज हम अपनी संस्कृति सभ्यता और जो रामायण है जिनके द्वारा कहते हैं ना जिनके द्वारा हम कैसे अपने जीवन की मार्गदर्शन पाते तो धन नहीं उनको कभी भूल नहीं सकते तो हमारे जीवन के लिए है। चले प्रिय बंधुजन कथा की अंतिम पंक्तियों में जब लक्ष्मण जी सबसे पहले भगवान विष्णु के चार अंश बता रहे हैं। चार अंश में प्रभु जी पृथ्वी पर आए थे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न विष्णु के चार अंश बता रहे और विदा के समय तो सबसे पहले जाना काम है कि भगवान का स्वागत करने के लिए बैठने का जगह होना चाहिए। भगवान की स्वागत करने के लिए भगवान जब सकेत धाम लौटेंगे उनके स्वागत के जो उनके सेवक सबसे प्रिय है जिस पर विराजमान स्वयं होते हैं भगवान जी और वही जो शीशा बता लक्ष्मण था वो अपने ब्रह्मांड को फोड़ कर और पुनः समुद्र के मार्ग से क्षीर सिंध में जाकर और भगवान की आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे जिस समय भगवान की जन्म उत्सव समारोह नवमी में मनाते हैं ना और भगवान की प्रकट होने की हम प्रतीक्षा करते हैं वैसे ही वैकुंठ लोक में भगवान की सकेत धाम पर आने की भगवान की आने की प्रतीक्षा। तो शेष नाग पहले अपना संज्ञा लगाता है शेष का संज्ञा लगता है और जब शेष भगवान का संज्ञा लग जाता है प्रिय बंधुजन
साथी से कहते हैं, भुशुंडी महाराज जी ये कथा गरुड़ महाराज को बतला रहे हैं कि सुनो कि जिस समय भगवान ने तय कर लिया कि अब मुझे सकेत धाम लौटना है, लेकिन धाम जाने से पहले सबसे पहले अपने प्रजा को ज्ञान दिया राम ने। सबसे पहले राम जानते कि मुझे जाना है तो सबसे पहले अपने प्रजा को नीति और अनीति क्या होता है उसका पहले बताया गया। वो कथा आप सही जानते होंगे। एक बार रघुनाथ राय गुरु जी पुरवासी सब आए बैठे, गुरु जी जीवन मुनि सज्जन अब बोले वचन भक्त भव भजन। और उसमें एक बात बहुत सुंदर आया था कि राम ने कहा था क्या कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा सुदृढ़ सद ग्रंथ रहा। ये जो मनुष्य तन है बड़े भाग से मिला है प्रिय बंधुजन, बड़े भाग से मिला है। इसके लिए देवता भी तरसते हैं, इसके लिए सब सुर किन्नर मुनि क्या भी सब तरसते हैं, लेकिन पाते नहीं है। आकर चार लक्ष्य चौरासी योनि भ्रमत जीव विनाशी कवि करो करना कर देही देव कृष्ण बिना हेत स्नेही। ऐसे भगवान कृपा करके हमको कभी इस योनि में डाल देते हैं, उस योनि में डाल देते हैं, ये कर्म अनुसार हमारा चलता है। लेकिन अगर भाव से पार करना है तो कहते हैं कि ये मनुष्य धन मिला है और इसको पाने के लिए इसको इसको तारने के लिए क्या है। कहा गया सदगुरु ऐसा एक सदगुरु को जो जो तुमको इस नौका पे बैठते है ना सदगुरु के नौका उसमें डूबने की रास्ता नहीं निकलेगा जो वार्ता है। तो कहने का भाव यह है कि रामायण जो हमारा ग्रंथ है इसमें एक से एक से एक ज्ञान प्राप्त हुआ है। कहीं और ढूंढना नहीं, भागवत में भी गोता नहीं मारना है। अगर कड़ा लगे वाल्मीकि रामायण श्लोक से लिखा गया तो वो भी नहीं पढ़ने में आता। लेकिन जो ये रामायण है मुझे ख्याल है शायद हमारी बुआ जी जिस मंडली के साइड को निकाल के उसको गया ना महिला मंडल का जो प्रधान है तो उनसे पूछो आप कितना हिंदी पढ़े हो तो आपको बताएगी कितना क्लास हो गई हिंदी पढ़ने के लिए। लेकिन रामायण को बताओ पढ़ने के लिए तो शायद आज वो रामायण पढ़ देगी। क्यों? ये दावा है प्रिय बंधुजन कि आदमी को तीन चीज नहीं भूलना है। क्या? एक मात्र माता तुम्हारी जो तुमने जो जन्म दिया तुमको, एक तुम्हारी जननी माँ जो जन्म दिया, दूसरा तुम्हारा मातृभूमि जहां तुम जन्म लिए और तीसरी तुम्हारी मातृभाषा उसको कभी नहीं भूलना। भले चाहे कितने विदेश जाकर पढ़ लिख के रह जाओ लेकिन गोरे का ऐसा नहीं हो कि तीन साल चार साल हम जाकर विदेश घूम कर आ गए और बोले वहां के पानी पिया तुम्हारे ठीक खड़ा हो तो हम चाहते आप जब भविष्य में लौट कर आओ ना वैसे ही बोलना काका राम 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 लिखा। थोड़े में लोग हम कहेंगे वहां से ना अपना स्टाइल क्या भाई तीन थ्री एम्स कभी नहीं बोलो। जो मां तुमको जन्म दिया, जो मातृभूमि में पैदा हुए और जो मात्र तुम्हारी भाषा है कभी नहीं बोलो। उससे शर्म भी नहीं खाओ, कभी कभी शर्म मत खाओ। प्रेम ये रामायण को ज्ञान मेरा बनाया बनाओ बनाओ की नहीं बोल रहा। और दूसरा बात रहा देखना, अगर प्रेम करना है, अगर किसी से प्रेम करना है तो सबसे पहले प्रेम करना सीखो किससे? अपना पड़ोसी से। लव यू नेबर, अपना पड़ोसी। बोले परिवार बाद में दौड़ कर आएगा लेकिन तुम्हारे पड़ोसी सबसे पहले तुम्हारे मुसीबत में दौड़ कर तुम्हारे द्वार पर खड़ा हो जाएगा। तो अपने पड़ोसी से प्रेम करना सीखो। और अगर हो सके तो ये मंडली जहां मंदिर जहां बनाए प्रिय बंधुजन तो मेरे दावा है कि यहाँ पर तो इर्द गिर्द में दो भरे भरे पड़ोसियां है ना, ये इससे कौन प्रेम करे तो क्या बात। हमारे दो पड़ोसी जो समर्थ है इनसे प्रेम करो भाई, यही से हमारा धर्म का है, यही से हमारा मुक्ति है, यही से हमारा। हम अपने गाँव में बताते हैं जहां पर माता के विशाल मंदिर बने कृपा है माँ जगदम्बा के एक साइड सती का एक टुकड़ा वहां गिरा होगा। आज माँ की स्थापना हुई वहां पर मंदिर बनाया गया और मैं वहां लोग के भी दावा करता कि इससे डरो मत। कभी कभी लोग देखते हैं काली मैया का विग्रह देखते हैं लंबा सजी बारे निकला बाहर में छुपी ना बड़े कितना डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। तो अभी किसान ने माँ की ममता जो झलक रही है उससे डरो मत प्रिय बंधुजन, उनके शरण में चले जाओ बच्चा बन के तो माँ तुमको कितने रक्त बीज महिषासुर से दूर कर देगी। ये माँ संबोधित करती है कि हे बच्चा मेरे शरण में आओ, अगर तुमको रावण से डर है, महिषासुर से डर है, रक्त बीज से डर है, शुभ निशुभ से डर है, हमारे शरणागति में आओ, वो हमारे तलवार हमारे जिह्वा को देखकर भग जाएंगे। प्रिय बंधुजन ये हमारा दावा का है, हम यही से सीखे हैं।
हम जो ज्ञान को प्राप्त किया है, मुझे ख्याल है वाणिज्य से कब बताया था ना, हम यहीं से रामायण में आते थे, नवरिया पहाड़ में रहते थे पिताजी के साथ, बस हम दोस्त दिखाई पीछे कंधा में बाप बाजा धन ले और पैदल आते थे। हमारे भाई धर्मेंद्र जी जानते हैं आप लोग के जीव अन्याय के मौका रहे दुहे बजरा में जानत भी ना अपने गाल भी गा और गाकर अभी तो बड़ा अच्छा है चटाई में लोग रख पे बैठ जाते हैं। उस समय वहां पर बस सीमेंट का फ्लोर था और चटाई था और कपट था, उसी पे सो जाओ गाय पे सो जाओ, जब इनके नमूना बस हुए तब इनको और चलो। और हम तो एक से एक नाटक करने वाले थे, हमारी आंटी जी जानती है जब आ जाए तो पहाड़ को चढ़ाने जाता। सच्चाई में जीवन के भूलो मत कभी प्रिय मंत्र जाने, दिस इज द फैक्ट ऑफ योर लाइफ। बोले आदमी वो जो सच्चाई सामने पेश करे, छिपा कर मत रखो। गरीबता का भी भूलो नहीं अपने जीवन में, जो गरीबता होता है कैसे पड़ गए कैसे गरीबता काटा उसको मत भूलो। जो प्राणी गरीबता भूल जाता है बस तुम्हारा जीवन का बस समझ लो प्रलय आ गया है। अब प्रलय क्या है नीचे पूछना तो हम बताएंगे। चलो आगे क्या कहते हैं, राम जी अपने जीवन का दौरा करते कि मैंने अवतार लिया अब मुझे जाना है। जाने से पहले अपने पूर्ववासी को ज्ञान देना बहुत जरूरी है, उनको बताना बहुत जरूरी है। और राम जी ऐसे राजा थे जिसमें कोई अगर फुल डेमोक्रेसी की बात नहीं करे, अगर फुल इंडिपेंडेंस की बात नहीं करे कि हाँ तो राम जी से सीखो एक राजा बनकर, राम जी से सीखो कि प्रधानमंत्री कैसे बनना चाहिए, तो राम जी की नीतियों को अपनाओ कि स्वतंत्र कर देता है कि मैं जो कह रहा हूं ये मत समझना कि भगवान जी कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं ये समझना कि तुम्हारा राजा कह रहे हैं। मैं जो कह रहा हूं तुमको अच्छा लगे तो लेना और नहीं अच्छा लगे तो छोड़ देना। जो अनीति कछु भाषो भाई तो मुहे वर जो भाई इसे मैं आपको दंड देने के लिए नहीं आऊंगा। तो प्रिय बंधु जन अब राम जी जब जाने की तैयारी कर रहे हैं, जानना है उसको क्योंकि बिना लक्ष्मण के मैं नहीं रह सकता राम जी कहते हैं। तो सबसे पहले क्या किया राम जी, सोचा कि इतना भारी नगर अयोध्या है चलो इसको बांट दिया जाए। जीते जी भैया अगर जागीर है संगति है तो जीते जी बांट दो। इतने लोग रहते हैं आए पहुंच जाते नहीं अभी पार्टी रखे हैं ना अभी हम पकड़े रहेगा। राम जी ने जिस योग समझा और न्यायाधीश होकर चारों पुत्रों दो दो थे भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण और राम सबको बराबर बराबर का हिस्सा करके और चार दिशा बांट सब वो कथा वो विख्यात है नहीं कहूंगा क्योंकि आगे हमको बढ़ना है समय हमारे मत से निकलता जा रहा है। लेकिन चारों पुत्रों का भरत के दो पुत्र शत्रुघ्न के दो पुत्र लक्ष्मण के दो पुत्र और राम जी के दो पुत्र को चारों दिशा बराबर से बांट दिया। और जो कहते ना लव कुश अयोध्या के राज और उसमें से जो कुश है लव है आजकल हम देखें चाइना देश जो है वो अयोध्या का भाग में आता है। चीन का उत्पत्ति ही लव कुश से हुआ चाइनीज क्रिएटेड फ्रॉम लव कुश वो बलसा जगह अच्छा से उसकी हिस्ट्री पढ़ते आपको तुम्हें मिलेगा कि चाइना कहां से आई है। हाँ तो ऐसे कोई और ये हमारा जो धर्म है इसलिए कहा धर्म नाथ भुजा सत्य समाना आगम निगम पुराण धर्मना दूजा सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। कौन धर्म धर्मना दूजा सत्य और इसको कहते सत्य सनातन धर्म। इसीलिए झंडा लगाते हैं ना कि तो इस प्रकार से प्रिय बंधु जन राम जी चारों दिशा जब बांट दिया सब पुत्रों को राजपाट दे दिया समझा दिया कैसे तुमको राज करना है नीति भी समझाया। जिस समय भरत जी चरण पादुका लेने आए थे राम जी से राम वहां पर चित्रकूट में तो वहां भी राम ने भरत को कि बताया कि नीति से राज चलाना और नीति से राज चलाए तो कैसे चलाए तो चरण पादुका लाकर सिंहासन में धरा नंदीग्राम में जाकर भरत जी गड्ढा खोदकर और राम जी धरती पे सोए तो उससे नीचे भरत जी सो रहे। ये भरत का त्याग है रामायण में एक से एक त्याग भरा हुआ है एक से एक बस सुनना है गुनना है जो अच्छा लगे लेकर चलना है जीवन में। तो इस प्रकार राम जी का दृष्टि गया
तो देखता वहां बूढ़ा जामवंत बैठा है, जाते जाते तो जामवंत की ओर जब दृष्टि जाता है, जामवंत सुनो मम मृदुवाणी राघवा पर भर जानते कौन ना ब्रह्मा जी के अवतार थे, सबसे बूढ़ा था रामादल में, सबसे बूढ़ा जामवन था, है ना। तो जब दृष्टि डाला जामवन को थोड़ा मन में अभिमान था, क्या जिस समय सीता खोज की बात हुई ना, पंपा अटक कर लेकर चलता हूं, जिस समय सीता खोज की बात हुई तो उस समय अपना अपना पुरुषार्थ दिखाने के लिए सब तैयार हो गए। जामवन तो बताया जिससे भगवान ने वामन अवतार लिया था, और उस समय जब मैं जवान था मैंने सात बाहन का परिक्रमा कर लिया था असुर का, एक चरण में तो भगवान ने ब्रह्मांड नाप दिया था पूरा ब्रह्मांड, तो मैंने उस समय भगवान के उस स्वरूप के सात बार परिक्रमा किया था। तो ये लंका सरोजन है, ये क्या है, जामवन के मन में थोड़ा अभिमान था। कहते हैं कि जो करने वाला है योग व्यक्ति को बोलता नहीं वो कर देता है, और करने वाला कौन था, हनुमान जी, वो मुंद्रिका लेकर बैठा था, ठीक है वो तो चुका है, लेकिन जगाने वाला कौन था उनके पुरुषार्थ को, जामवन। जामवन के वचन सुहाए सुने हनुमान हर्ष ये भाई, ठीक है। तो क्या हुआ प्रिय बंधुजन, अब राम जी चाह रहे हैं जामवन जी के मन के अभिलाषा को पूर्ण करना है, तो राम ने उनको बताया ठीक है जामवन तुमको तुम जाओ तुम द्वापर युग तक रहोगे। जामवन छोटा राम जी जा रहे हैं द्वापर युग जाओ, द्वापर युग में मैं आऊंगा, कृष्ण रूप धर मिला हूं मैं तो ही समर भूमि तब जानसी मोहि, कि मैं तुमको द्वापर में मिलूंगा कब, बोले और तुम्हारे साथ में युद्ध करूंगा, और तुमने सात दिन का बात किया था, सात बार परिक्रमा किया था, हम तुमसे 27 दिन युद्ध करेंगे, हम तुमसे 27 दिन, और ये वो कहता है आपको देवी भगवती मिलेगा और उसके महत्व मिलेगा, जब भगवान कृष्ण को कलंक लगा था समंतक मणि जब चोरी हुआ था प्रिय बंधुजन, और उसे खोज में गुफा के अंदर जब जाते हुआ जामवन था, उनकी कन्या जामवन की थी, छोटी सी कन्या थी, वो खेल रही थी समंतक मणि को लेकर, और तब जामवन के साथ भगवान ने मल युद्ध किया 27 दिन युद्ध किया। क्या वो क्या कर भगवान कृष्ण क्या उनके अभिमान को तोड़ना चाहते थे, भगवान कृष्ण ये भी दर्शाना चाहते थे कि देखो जामवंत भी कोई मामूली नहीं था, जो बात बोला था पंपाकट करना कि जब मैं जवान था तो उस समय मैंने किया था, आज देखो भगवान 16 कला से उतार लिया, मैं 27 दिन तक उससे युद्ध किया और युद्ध हार कर तब उन्होंने जामवंत जी का विवाह कृष्ण जी के साथ किया। तो भगवान हर एक वादा को पूर्ण करते, बाली को भी मौका दिया कृष्ण अवतार में, बाली ने कहा था ना कि धर्म हेतु करेगा साई मारे मोहे व्याज की नहीं, तो राम जी ने कहा ठीक है, अवगुण कौन नाथ मैं मारा मैं वैरी सुग्रीव प्यारा है मानस राम शंकर समाधान के बाद मोहब्बत। तो राम ने कहा ठीक है द्वापर गांड दे तू बनना, तुम भी छिप कर मुझे मारना, अब वो कहा आपको गप अपने जरूर कर आगे चलते हैं। इतना कहते राम जी सभी सब कहा Oh,
हिरण बनाया और फिर आप सरयू तट पर आए। सरयू तट पर जब पहुंचते हैं पीतांबर पट सुंदर हरि, जड़ चेतन चर अचर सुखारी, और तब समय जान तब पवन कुमारा बोले वचन कृपा हजारा। अंत में हनुमान राम से बोले, प्रभु तुम जा रहे हो मैं क्या करूंगा। और प्रिय बंधुजन एक वरदान माता सीता ने हनुमान जी को दिया था लंका में, क्या राम रस भैया बोले अरे तुम रावण की सेना हो, तुम रावण की दूध बनकर आए हो, इतने छोटे रावण के लंका में तो एक से एक बलिष्ठ से बलिष्ठ असुर लोग है, तो तुम आए। तो हनुमान जी ने मां मैं राम का पुत्र हूं इसमें कोई संशय नहीं। और जब पुत्रा का रूप धारण किया हनुमान जी वहां पर, तो सीता मैया ने उनको आशीष दिया कि राम रसायन तुम्हारो पासा, और क्या सदा सदा रहो रघुपति के पासा। और आज राम जी जा रहे हैं तो हनुमान जी को क्या वरदान दिया, दोहे में कहते हैं चिरंजीव सुत रहो तुम। चिरंजीव का अर्थ क्या है कि जब तक इस लोक में इस मृत लोक रहेगा चिरंजीव अमर होकर रहो तुम। जब लगे रवि शशि शेष, जब लगे सूर्य चंद्र शेष जी, शेष कौन है भगवान लक्ष्मण शेष, जब तक वो रहेंगे हे पुत्र हनुमान तुम चिरंजीव बनकर रहो। ये वरदान स्वयं राम जी हनुमान जी को देकर चलते हैं। तो उस समय क्या होता है, चतुरानन पाधर चारों के
नाते तुम्हारे
सबसे पहले
भगवती से प्रार्थना है कि वह आपको सदैव मेघा बुद्धि प्रदान करे, आदर के क्षेत्र में आप इसलिए लव को सफल बनाए। धन्यवाद है आपको बहन जी। देवियों तथा सचियों, हालांकि हम लोग कई बार रामचरितमानस महाकाव्य का कथा इत्यादि जो इसको पढ़ते सुनते हैं, लेकिन हर एक बार जब भी पढ़ते हैं, जब भी उसका उल्लेख करते हैं, तब तब नई नई नवीन बातें सुनने को मिलती हैं। और जैसे कि इस 3 दिवस की कथा में वक्ताओं ने बड़े सुंदर से कहा कि उसमें से थोड़े से भी हम लेकर के चले तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। तो चले, जबकि आज नकाबा रामायण मंडली को संचालक होते हुए 54 ईयर्स हो चुका, और 54 ईयर्स के अंतर्गत भी ये 4th मर्तबा है कि मैंने आज नकाबा रामायण मंडली का संपूर्ण लेख को कराया। इस अवसर पर उन तमाम लोगों को मैं विशेष रूप से याद करता हूँ जिन्होंने नकाबा रामायण मंडली का नींव डाला। आज वो है या नहीं भी हमारे बीच में, लेकिन जहां पर भी होगा होंगे उनका विशेष आशीर्वाद हम सभी पर अमृत रूप में बरस रहे हैं। तभी तो आज हम देख रहे हैं कि मंडली आज भी संचालन हो रही। और ऐसे मैं तमाम नकामा की जनता एवं नकामा के जो नकामा विष्णु रामायण मंडली के सदस्यगण हैं, आप लोगों से मैं एक करोड़ प्रार्थना करता हूँ कि जीवन में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आ जाए, जो न्यू 54 ईयर्स पहले डाला गया, उसको जो ज्योत को जलाया गया, उसको आप लोग बुझने मत देना। जिस तरह से हमारे पूर्वज इसको लेकर के चले, फिर वहां से शिवदयाल जी जैसे उन्होंने कहा, श्री धर्मीर लाल जी, बसंत लाल जी, वैसे परम जी, सतीश कका, रवीर लाल कका, मनिक लाल जी, ये ऐसे कुछ प्रमुख लोग थे। मुझको आज भी वो दृश्य आ रहा है कि ये सब बैठ करके रामायण को पाठ करते थे। और मैं ये आशावादी हूं कि आगे चल करके हमारे जो नवयुवक है, आप लोग इसी तरह से और इस ज्योत को जलाए रखेंगे। और आज हम लोग एक मरतबा फिर रामचरितमानस महाकाव्य का श्री गणेश करेंगे, और श्री गणेश करने के लिए हम लोग संकल्प लेंगे। प्रचारक जी के हाथों में फूल पाती सौंपेंगे आप। संकल्प के साथ में इसका अर्थ होगा कि आज से फिर एक मरतबा हम लोग रामचरितमानस महाकाव्य का श्री गणेश करेंगे। आप लोग हाथों में फूल पाती जो उसको ले लो, थोड़ा सा जल छोड़ो, उसमें थोड़ा सा जल डालेंगे और संकल्प लेंगे कि परमात्मा हमको इतनी शक्ति देना, इतनी भक्ति देना कि हम लोग सदैव इसी भाव से, इसी धैर्य को लेकर के चले कि हम सदैव धर्म सनातन का ध्वजा और रामचरितमानस महाकाव्य का पाठ जो है अपने इस मंदिर पर सदैव सदैव किया करें। और आज रामायण महाराज का हम लोग श्री गणेश करने जा रहे हैं। ओम नमः श्री तत्सि विष्णु 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 मदद्रादित्यादि वाराकल्पि श्री श्वेतमि वाराकल्पि वैवश्वते स्थाविंसते तमे श्रीरं कलि कलि वेपतं चरणि जम्बुदीपे वारकम्ने आरजाय की व्रतांति अमुक नाम। आप लोग सभी अपना नामावली साथ में मंडली के नाम, ठीक है, अमुक नाम में नमस्ते, अमुक नाम में से श्रीरम नकामा विष्णु रामायण मंदिर अंतर्गत नमस्ते, श्रीरम नकामा ग्राम सही नमस्ते, साधु साधु शहर अंतर्गत नमस्ते, फीजी दीप नमस्ते, प्रशांत सागर नमस्ते, विक्रम संवत 2079 नमस्ते, आचार्य पंडित प्रवीश महाराज नाम सही नमस्ते, भरद्वाज गोत्र निवास, कश्यप गोत्र पंत निवास, रामचरित्र मानस महाकाव्य उल्लेख श्री गणेश करी भवा नमस्तु तय नमाम श्री हरिओम नमाम। रामायण महारानी को पहला पन्ना खोलो, ओम नमाम श्री, 5 जन मिलकर के रामायण महारानी को खोलो, ओम नमाम श्री,
सर्व मंगल मांगल्ये शिवे शर्वादि साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमः श्री पूजरा ओम नमः श्री सर्व मंगल मांगल्ये शिवे शर्वादि साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। फूल चढ़ाओ आप लोग, फूल चढ़ाई के उसमें थोड़ा से टीका दो। ओम नमः श्री खंड चंद सही महापुण्यम ललाटे सुशोभित नमः श्री सुगम श्रेष्ठ तिलक अधिग्रहत्वम दिव्यम नमः श्री तिलकम समरे व्यामि संप्रदाय नमः श्री हरिओ नमः श्री आरार्तिके दर्शन प्रतिग्रहत्वं दिव्यं नमांसि बोधि पूजन प्रतिग्रहत्वं दिव्यं नमस्तुते नमांसि प्रेम सिंधु रामचरित मानस महाकाव्य की जय। जय श्री गणेश रामचंद्र को सकल सुमंगल विविध विषय के प्रश्न श्यावर रामचंद्र रघुप्रिय रामचंद्र धन्यवाद। हमारे प्रिय बंधु जय, हमारे पास वक्ता है कि वक्ता से पूर्व मुझे बताया गया है कि इस मंडल की तरह हिस्ट्री जो है उस पर मैं प्रकाश डाल दू। नकामा विष्णु रामायण मंडली इसका नियम डाला गया था 1968। तो हमारा तो जन्म नहीं दे रहा, हमारा पैदाइश नहीं रहा, हम 1971 में बोले हैं। तो 3 साल पहले उससे इस मंडली की नींव यहां पर डाली गई थी मेरे ख्याल से, कहां पर? बांगी पहाड़ पर। 1971 में बोलो है, वही पर धर्मशाला था मेरे ख्याल से, नहीं नीचे और नीचे। अच्छा ठीक है। तो नकामा रामायण मंडली जो प्रेसिडेंट जो प्रधान बने इसके, तो सबसे पहले इसका जो पुराना जो टेम्पल था उसका प्रधान स्वर्गीय नाना लोली जी थे। लोली जी शायद जानते हैं, अभी के बच्चे तो नहीं जानते लेकिन हम जानते हैं उनको, ठीक है। उनका घर यही नीचे था जहाँ पर हमारा भवन था, तो वो पहला प्रधान था। और उसके बाद में आजा स्वर्गीय सुखदेव जी प्रधान, और उनके बाद में फिर हमारे देवचंद जी स्वर्गीय देवचंद जी प्रधान बने नकामा रामायण मंडली। और उस समय इनके दौर में हमारे पिताजी उस मंडली के कोषाध्यक्ष यानी खजांची और प्रचारक के काम कर रहे थे, इन तीन प्रधान के नीचे, तो खजांची का काम कर रहे थे। आज भी मुझे घर पर हम देखेंगे उसके टेबल पे नकामा रामायण मंडली के जो उसमें वो लिख कर रखते थे नोटबुक था, है ना, अपने अंदाज में उसके आग हो गए आरती जो दान था उसका कैलकुलेशन डाला नहीं हो सकता था, कितना आरती में पैसा आया कितना दान में आया, आज भी उसका लिखित घर पे मेरे रखा हुआ है। पढ़ा तो नहीं है लेकिन रामायण से सीखा कि आ कैसे लिखा करता है, रामायण में ही देखा कि आरती लिखा रामायण में तो वैसे ही देख कर, अभी जैसे बच्चे को जब सिखाओ अल्फाबेट सिखाते हैं तो कैसे खींचते ना, उनका भी रेटिंग समझना कड़ा बात है, डुप्टा से भी आगे उसका जो रेटिंग पढ़ लोगे तो ठीक है, हमारा आंटी तो कितना मूल का झूला कैसे वो कर रेटिंग पढ़ते पढ़ते। तो उस समय से वो खजान चुके और प्रचारक थे।
तत्पश्चात मेरे पिताजी के बाद में प्रधान के बाद में श्रीमान बरमदेव जी जो यहाँ पर थे वो प्रधान बने और वो थे जहां से जो स्टेप्स जो मंदिर के आप चढ़ते हो उस समय वहां पर था, तो वहां के उस समय भवन था और वहां वो प्रधान। उसके बाद में श्रीमान माणिकलाल जी स्वर्गीय माणिकलाल जी प्रधान बने और उनके प्रधान में ये निर्माण आज वो नहीं है क्योंकि आत्मा भी जान है बहुत हर्षित होगा परमात्मा के अगर धाम में है तो बहुत हर्षित होगा ये दृश्य को देखकर कि आज मंदिर के सूर्य का चढ़वा रहा है। उनके बाद हमारे भाई श्री धर्मेंद्र लाल जी प्रधान बने। धर्मेंद्र लाल जी के बाद स्वर्गीय देवीदास प्रसाद और उनके बाद फिलहाल जो प्रधान है इस मंडली का वो है हमारे भाई श्री सवित लाल जी। मेरे ख्याल से कुछ बीमार हो गया तो नहीं पहुंच पाए लेकिन हाँ अभी फिलहाल उन्हीं के प्रधानाचार्य है ये कार्य ये मंडली का चल रहा है। प्रिय बंधुजन जब निकामा रामायण मंडली बनाई गई उनके साथ साथ कहते हैं कि नारी शक्ति और सबसे पहला महिला मंडल वो बनाया गया सबसारण जिला में मेरे ख्याल से अगर मैं गलत हूं तो बताना मुझे वो है नकामा महिला मंडल। हाँ नकामा लक्ष्मी विष्णु महिला मंडल का नींव डाला गया इसी भवन में और जिनकी प्रधानाचार्य उस समय जो थी वो श्रीमती अंजनी प्रसाद श्रीमान दिनेश्वर प्रसाद जो हमारे हेमेंद्र भारतीय स्कूल के जो मुख्य अध्यापक थे उनके अध्यायिनी श्रीमती अंजनी प्रसाद जो फिलहाल न्यूजीलैंड में वास कर रहे हैं उन वो प्रथम प्रधानाचार्य यहाँ पर इस महिला मंडल की। और उसके बाद हमारी जो फुआ है श्रीमती विद्यावती तब से लेकर आज तक ये बताया गया 45 इयर्स और 45 इयर्स तक वो इस मंडली की महिला मंडल की प्रधान की पद को निभा रही और अब वो कह रही है कि अब हम जाना हो दुनिया में। अर्थ यह है कि इतने दिन ये बोझा को लेकर बोझा नहीं धर्म की ध्वजा को लेकर एक प्रधान की पद को लेकर चली और अब कह रही है कि अभी तक मैं हार नहीं मानती हूं अभी तक मैं हिम्मत है मेरे पैरों में ये मंदिर के सीढ़ी चढ़कर और मैं आ सकती हूँ और आऊंगी लेकिन ज्यादा मैं प्रकाश उसमें नहीं डालूंगा क्योंकि उनके समय पर जो प्रचारक थी उसने बहुत छोटी हमारी बहन उषा किरण जो आज यहाँ पर है और चलो उनके मुखारविंद से हम इस महिला मंडल के विषय में श्रवण करें और जो व्यायाम दे रहे हैं ये समारोह के लिए द्वारा ही संपन्न किया जाए। धन्यवाद। भगवान श्री रामचंद्र माँ सिद्धेश्वरी श्री चरणों की वंदना करती हूँ जिनकी ही कृपा से आज इतना सुंदर घड़ी प्राप्त हुआ है कि हम सब नकामा विष्णु रामायण मंडली के जो संपूर्ण यज्ञ है उसमें भाग लेने के लिए सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे जो ब्रह्मश्री हैं आपके श्री चरणों की वंदना करती हूँ। नकामा रामायण मंडली के जो प्रधान हैं उनके कार्यकारिणी कमेटी नकामा महिला मंडल के प्रधान उनके कार्यकारिणी कमेटी भाई शिव्या जी जो आज के इस तीन दिवस कथा के प्रमुख प्रचारक थे आए हुए आत्म बंधुओं भगवान की कथा जहां पर होती है अगर मन में रुचि है तो आप वहां पहुंच जाते हैं और जब भगवान की कृपा होगी तभी आप पहुंचेंगे अन्यथा आप घर पर ही बैठे रह जाओगे
और आपका वो फल प्राप्त नहीं होगा जो आपको प्राप्त होना चाहिए। मुझे भाई धर्मेंद्र ने आज कहा कि आप आकर, अब आज ही मुझे पता लगा कि हमारे जो विष्णु लक्ष्मी महिला मंडल है आज से वो रिटायरमेंट ले रही है। सब लोग 55 इयर्स में रिटायरमेंट ले रहे हैं, ये 44 इयर्स में रिटायरमेंट ले रहे हैं। हालांकि हमारे जो प्रधान है उसका रिटायरमेंट तो हो चुका है, लेकिन भारत के कार्य में हमेशा आगे चले। हमारे जो महिला मंडल का नियम डाला गया उस वक्त वहां पर एक बहुत ही जाने माने सज्जन थे जो विधि देवू के थे। मुझे नहीं मालूम कि वो किस इलाके सुबह के थे या वेस्टर्न के थे, मगर विधि देवू के थे और उस दिवस उस रात्रि को वहां पर थे। मैं क्लास 8 में पढ़ रही थी, 13 इयर्स की थी। तो उनके निगरानी में हमारी महिला मंडल का जो चुनाव वो हुआ, और जब चुनाव हुआ तो हमारी जो गुरुतुल्य जिनके मुखारविंद से हमने पहले कक्षा 1 को पढ़ा, श्रीमती अंजनी प्रसाद जो हमारी टीचर थी क्लास 1 एंड क्लास 2 में, और फिर जब हम क्लास 8 में पहुंचे वो विष्णु लक्ष्मी महिला मंडल के प्रधान बनी, और उन्हीं के निगरानी में हम सब रामायण पाठ करना सीखा कि रामायण कैसे पाठ किया जाता है। हालांकि घर पर हमारे पिताजी ने सब कुछ रखा था और माताजी के साथ में हम फिर बैठकर कथा को पाठ करते थे, लेकिन किस तरह से दोहा चौपाई छंद सरोठा इत्यादि पाठ किया जाता है वो सब हम उन्हीं से सीखे। तो आज वो कहीं पर भी है विदेश में, हम उनके चरणों के वंदन करते हैं। वो हमारी गुरु मां बनी और हम सबको वो शिक्षा प्रदान किया। जब वो अपने मुखारविंद से कह दिए कि अब हम ये पद को नहीं संभाल सकती, तब हमारी फुआ जी वहां पर इस पद को संभाला और तभी से लेकर आज तक वो उस पद को संभाल रही है। कभी कभी हमको डांट लग जाता था, क्या होता था कि हम हंस देते थे, है ना, कुछ अगर हम पढ़ते थे अगर नहीं है तो हमें डांट लगता था, चुप रहो ऐसे पढ़ना चाहिए। तो सब कुछ मीठा वचन से नहीं प्राप्त होता है, कभी कभी कड़वा वचन भी हमें बहुत कुछ सिखा देते। जैसे कि हमारे नाना जो आदरणीय पंडित मुनि प्रसाद थे, बात तो तीर के समान कहते थे, कभी कभी कड़ू भी कहते थे, मगर सच ही कहते हैं और हमें बताते थे कि हमें किस राह से चलना चाहिए। फुआ जी शायद हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं जो हम आपको दे, लेकिन भगवान आपने वो शक्ति दिया है और आप ही के निगरानी में हम सब जन सैन्य जितने भी बच्चे हैं जो हमारे उम्र के हैं या हमसे कम है, भाई धर्मेंद्र भाई श्रीदयाल जितने भी लोग हैं जो आज कथा को प्रचार कर रहे हैं, वो सब आप ही लोग से सीखा होगा, हमारे पिताजी से सीखा होगा, तभी तो हम यहाँ पर आज खड़े हैं। और मैं 13 वर्ष की थी, मुझे ट्रेजरर का जो पद है वो दिया गया, यानी कि पैसा संभालना, तभी से मैं पैसा संभालती हूँ और आज तक संभालती हूँ। और प्रचारिका का जो पद है वो मुझे मिला, जैसे मेरे पिताजी को मिला था उसी तरह हमें भी मिला और हम जैसे तैसे उसको संभाला। हमारे बाद में श्रीमती अरुण जी आई विवाह होकर, तब इस पद को संभाला और हम यहाँ से पढ़ने चले गए थे। इसी तरह से महिला मंडल चल रही थी, जितने भी भाइयों का शादी हुआ सब भाभियां आई और इस महिला मंडल को चला रहे थे। उस दिन उस महान सज्जन ने एक बात कहा था और वो क्या था, महिला मंडल खोलना या कोई भी मंडली खोलना बहुत ही सहज है, 10 आदमी हो जाए मंडली खोल लो, लेकिन उसको चलाना कितना कठिन है वो वही जानता है जो इस मंडली को चलाता है।
कहने का तात्पर्य यह था कि अगर कुछ मन मुटाव हो जाए, कुछ भी टूटियां हो जाए, उसको सुधार करो, लेकिन एक संगठन में, एक सूत्र में बंधकर और इस मंडली को चलाओ। तभी तक आज इस महिला मंडल और शायद ये रामायण मंडली चलता आ रहा है। आज गिरमिट दिवस है, अगर आप फेसबुक पर जाओगे तो बहुत कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा। और हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे पूर्वज ने आकर फिजी देश में वास किया और ये जो हमारी संस्कृति है उसको लेकर आए और हम उसको बहुत अच्छे से संभाल कर चलते हैं। इसी तरह हमारे जो ये महिला मंडल है वो भी हमारे लिए एक पूर्वज की कमाई है। अभी यहाँ पर ढोल बाजा पे हम कीर्तन रामायण पाठ करते हैं। हमारी महिला मंडल जब थी तो हम बिना ढोल बाजा के रामायण पाठ करते थे और उस वक्त भजन गाने में बहुत शौक था। हमारे आजी जी थी ना तो वो भजन हमको सिखाते थे, हम सब गाते थे। जब रामनवमी आता था पुरुष मंडल रामायण पढ़ते थे, उसके बाद में महिला मंडल के दो या तीन भजन गाने को मिलता है। तो आजी जी से हम सीखते थे। एक मुझे याद है, पिया मत बैर करो रघुबर से, हम गाते थे बहुत जोर से लेकिन हमें पता नहीं था कि वो शब्द क्या है, अरे उनका मतलब क्या है, पिया मत बैर करो रघुबर से। लेकिन हाँ, जैसे जैसे हम बढ़ते गए रामायण पाठ के, तब पता लगा कि उसका अर्थ क्या था। तो ऐसे ऐसे बहुत से कीर्तन और भजन हमने सीखा और फुआ जी बस आपको धन्यवाद देती हूँ और सभी माताओं से यही विनती करूंगी कि जिस तरह से आप आज अपने जो महिला मंडल है उसको औपचारिक रूप से बंद करते हैं लेकिन अपने पुरुष मंडल के साथ में होकर और रामायण संचार करेंगे। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपने सोचा कि अब हम ये कार को नहीं लेकर चल सकते हैं, हमारे में उतना सामर्थ्य नहीं है, हमारे में उतना महिलाएं नहीं है जो हम इसको कर सके, आपने बहुत सुंदर भांति से और क्या दिन चुना, गिरमिट दिवस, और आप यहाँ पर उसको अवकाश प्राप्त कर रहे हैं। बार बार धन्यवाद देती हूँ। लेकिन हाँ, ये विष्णु रामायण मंडली और विष्णु लक्ष्मी महिला मंडल सदैव हमारे दिल में एक जगह बनाकर रखी है और हमेशा बना रखा है। जब भी पुकारोगे, शायद मुझे आज यहाँ आना ही नहीं था, मैंने पंडित जी को फोन किया लेकिन उन्होंने मुझे नहीं मिला समय पर, तो मैंने अपने विष्णु मंदिर के पंडित से पूछा क्या मैं जा सकती हूँ। मैंने भाई जी को हाँ कह दी क्या मैं जा सकती हूँ, क्योंकि अभी भी हमारे परिवार में निधन हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि आप जा सकते हैं मगर किसी चीज का भागीदार नहीं बन सकते। मुझे खुशी हुआ कि मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुझे यहाँ आज आने के लिए मौका मिला। अंत में अगर मैंने कुछ कहा है जो शायद अच्छा नहीं लगा है तो मुझे क्षमा करना, लेकिन जो सच्चाई था वो हमने आप तक पहुंचाने की कृपा किया। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय जी। और जैसे आपने अभी प्रकाश डाला हमारी फुआ के ऊपर कि उन्होंने जो 45 डेज प्रधान की पदवी को निभाई, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारी फुआ है ऑल इन वन है। ऑल इन वन कभी आपने सुना कि ऑल इन वन सब कुछ है, उसमें सब कुछ मिले। तो मैं बहुत छोटा था, हम लोग तो बहुत छोटे थे, हम दरबार तो बहुत छोटे थे और हम एक गाते थे बोला अगर कोई भंडारा हो गाँव में उस समय, कोई शादी ब्याह हो, वो पूरी से लेकर पूरा भंडारा खाना भी बना गए, फिर माड़ो के काम संभाल गए, फिर बैठ के ढोल बजा कर विवाह गीत भी गाए थे और उधर फिर तैयार करते कि खाना खाने का समय, सबको तैनात कर दे कि हमारे मिलिट्री फोर्स तैयार हो जाओ और खाना इसको गिरे नहीं, जो खाना खाने वाला जो वो जो थपना था
उसमें एक दाना भी नहीं पा सकते थे, इतना कड़ी थी उस समय। जैसे हमारी हमारी बहन ने कहा ना, कभी कभी थोड़ा कड़वा बोलना चाहिए, लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि प्रिय मनोजन, कि उस समय अगर ये हमको वो सिद्धांत नहीं सिखाते तो शायद मेरे ख्याल से हम जिस योग आज बने वहां नहीं बनते। अगर हमारे पिताजी, जैसे अभी कहा कि हमारे बहन के बाद में श्रीमती अरुण जो हमारी भाभी है, उन्होंने 1985 से खजांची का पद को निभाया थे इस महिला मंडल का। तो देखिए 1985 से लेकर 2022 हो गया और आप खजांची का पद को निभाया। कभी कभी लोग एक टीम में से एक साल में खजांची के पद निभा पाते हैं, थोड़े में बस फिसल जाते हैं। खजांची का पद इज अ वेरी डेंजरस पद निभाना, बहुत पब्लिक के फंड से जो आप लेते हो ना, लेन देन करना पड़ता है, उसमें बहुत भारी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। और एक इंसान इतना जीवन से पत्नी को निभाता है तो जरूर उसमें कोई ऐसा खूबियां होगा, उसके समाज में उसके प्रति ये ट्रस्ट होगा, वो विश्वास था कि वो अपना काम को बस जो है समाज को बिना किसी संकोच के वो कर रही है और बिना किसी उधर के। आज वो भी हमारे समक्ष बैठे, आपको भी हम धन्यवाद दे रहे हैं। फिर इस जो मंडली है, इसके जो ट्रस्टी है, मुझे बताया गया हमारे पिताजी हैं और आज भी और जब तक रहेंगे वो इस मंडली के ट्रस्टी अवश्य जैसे है और वैसे रहेंगे। साथ साथ में हमारे भाई ने बताया कि जिस सज्जन की बात हमारी बहन कर रहे थे वो था लकेरा के श्रीमान पंडित सहदेव जी। उन्होंने तो ऐसे कहते हैं कि रामायण में आया है कि जब हम सत्संग करते हैं ना, बोले सत्संग में जो ज्ञान प्राप्त होता है उसमें वैसा समागम कहीं नहीं देखा गया। प्रिय बंधुजन, तो इस प्रकार से प्रिय बंधुजन आज गिरिमिट दिवस है। क्योंकि अगर भूख लगा है मुझे भोजन बना या खा लो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम कथा में अपना प्रोग्राम में रश नहीं करेंगे। ये कोई खड़ूस बात नहीं बोला है। हाँ भाई, बोले हमारे गुरु जी जो स्वामी रामाचार्य स्वर्गीय बताए थे, बोले भैया अपन पहले अपन पेट देखो, वो जब संतुष्ट रहे तब तुम बड़ी कथा सुनो। यहाँ पेट में जब लगा है भूख, बोले कितनों संग फुकियो, कितनों कथा फुकियो, वो नहीं हनी बुद्धि ने काए ध्यान को, बोले भूख मालूम पेट में लगा ना, तो बोले जाओ इन्हें भर लो, तब तुम्हारा ध्यान परमात्मा में जाएगा, पहले आत्मा पीछे परमात्मा। तो आपको भूख लगा है जाकर भोजन कर लो, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रिय बंधुजन श्रीमान हमारे जो तबला वादक अजनेश जी की सुपुत्री जो CWM में है, और उन्होंने आज गिरिमिट दिवस से हेतु बड़ा सुंदर सा केक किया है। और हम आग्रह करेंगे जो हमारे फुआ जी है, आप उस केक को काटें और हम गीत गाएंगे। और एक विदेशिया है हमारे भाई जी के पास, गिरिमिट दिवस से वो विदेशिया को गाएंगे, ठीक है। चलिए कुछ लोग साथ में जाए, हमारे दो फुआ और वहां पर बैठिए। हाँ, आप लोग तो बहुत छोटी थी जब फुआ प्रधान मेरे ख्याल से, तो हमारी जो ज्ञानी थी बहुत छोटी थी और बाबा जो है वो तो साथ में थी। तो आप तीनों आ जाए, साथ में हो जाए और केक काटेंगे और विदेशिया में भाग लो। हमारे जो फूफा जी है, चले आओ दो फूफा अगर आया सके तो सब में हो जाओ, तो आप लोग एक जामुन पे गरुड़ महाराज जी करते चले आओ। Yeah.
टेक्नोलॉजी है। पहले के जमाना में जैसे अभी मोबाइल फोन में अपना अलग एक्सप्रेस कर दो ना, पहले जमाना में नहीं आ रही, पहले जमाना में बोले चार महीनों में जाड़ा लगता है, चार महीनों में झूरा पड़ता है, चार महीनों में गर्मी पड़ता है ना, वो सब है गाना। तो अपना प्यार अपना प्याज के साथ वैसे फरमाया जाता था। एंड दैट वाज आई वुड से ओल्ड इज गोल्ड एवरलास्टिंग, वो चलता था जैसे आज चल रहा है, 50 साल के शादी ना चल रहा था। हुआ कितना दिन के शादी किया आपके? शायद 60 ईयर से ऊपर हो गया होगा। बिगाड़ा किसने? बोले जिसने। ये बिगाड़ा किसने? बोले बिगाड़ा वही जिसने संबंध को जोड़ा। 9 महीना में काट के बोले वही बिगाड़ी। ये फोन से संबंध क्या? ये फोन ही बिगाड़ी है ना। आज प्रिय बच्चों कि उस समय जब गीत गाया जाता था, उस समय जब विदेशिया, आज भी लोग विदेशिया गाते हैं। पुराना ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म जाकर देखो, पुराना जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म जो बनता था उस समय, तो उस समय जो गाते थे ना वो विदेशिया की धुन में जब गीत गाते थे। आज मैं देख रहा था क्या था, और आज मैंने इसलिए कहा गया है ओल्ड इज गोल्ड। उस समय बाज नहीं था, ये बाजा ढोलक ढोलक था, बाजा नहीं था। भजन कैसे गाते थे? केवल तंबूरा पे, और क्या था? दंड ताल, और क्या था? ढोलक। हमारे आर्य जी का एक बड़ा सुंदर भजन था उस समय, जब पहले जमाने में जब आदमी मर जाए घर में तो उससे मोचरी नहीं था, फ्रिज नहीं था, बोडी में रखो रात भर रखाओ। अभी बता दो जवान को बोडी रात भर रखाओ तो क्या रखाएंगे? या कुत्ता के देख के लोग हनुमान चालीसा पढ़ के तो पहले जमाना में जैसे के घर में किसी की मृत्यु, वही रात्रि में मड़ा बन जाए, रात्रि काल में मड़ा बन गए और भजन शुरू। हमारे पुपा जी वहां होंगे, वो जानते ना, तो हमारा आनंद गाते है कोई अंबर ज्योत हमारा, एक कला से सब जग सिर जा ऐसो सिर जनहारा, दूसरी कला से अपनी का उसके मुझे मैं तो मालूम है नहीं मालूम है कि मुझे बताया गया था कि जब मेरे आटा की गाते थे ना रात्रि काल में, उनका आवाज जो था बोले साउंड सिस्टम से बुलंद था और तमुड़ा केवल गाते थे। और खाना रात्रि काल में खाना बनने लगता था प्रिय उस समय, 3 बजे सवेरे जो झोपड़पट्टी में उठ कर और माताएं भोजन जब बनाती उस समय ना, अभी की कन्या को बताओ 3 बजे सवेरे उठ के घर में सब कुछ है, बोले माइक्रोवेव में करना खाए जेबर बीटे बेदी पर से सब अपने निकली बाहर नहीं क्या बात है प्रिय बंधु जन, अभी बताओ कि उठ के रोटी के बनाए दो तो नहीं, हम बेले तक की रोटी बनाना तो छोड़ दो, बस रिमोट पहुंच जाओ वहां रेडीमेड लाए उठा लो माइक्रोवेव में खा लो खा लो। और फिर क्या बीमारी नहीं था उस समय का है, क्योंकि घर के पीसा आटा, ये मैं गिरवी दिवस की बात कर रहा हूँ, घर के पीसा आटा बोले घर के पिसान, बोले चकिया के पिसान खाओ उसमें कोई बीमारी नहीं। अभी तो सब मिलावट हो रहा है तो हमने करा है, और ब्रेड खा खा कर देखो कैसे टोन भारी हो गया, देश की सबसे के पेट भारी हमारे घर में रोटी अभी रोटी बनाकर और हमारे फुफा जी को खिला रहे हैं। कोई बैठक कर सके इसे? कोई बताओ करो। अरे आज तो संडे, आज के रोज ब्रेड खाए काम चला लो, अगर फुफा खाएंगे तो हमारे फुफा अभी भी रोटी बनाए। तो उस समय की ट्रेनिंग था, उस समय की ट्रेनिंग कुआं के पानी भर के लाओ, नारा में जाकर कपड़ा धो, वो सब कर रहे थे। एक जितने फुआ वो सब करेंगे। हमारे पीछे तो कौन फुआ जो है कटना कुआं पीछे डबरी से वो जानती है। तो प्रिय बंधुजन कि उस समय का जो ट्रेनिंग था, ये आज भी हमको कि उस समय बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं था, अब तो सब कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है क्योंकि वो ट्रेनिंग नहीं हो रहा है। अभी बेटे को देगा वो जाकर कुआं से पानी भर के लाओ ला कर सकेगा? उसके तो ढंग नहीं, बल्टी दोबारा नहीं करना है
उसकी पहले दिखते बल्टी उठाते पड़े रहे। कुआं में पानी भरने का ढंग होता है ना, एक ही मारो इसे एक ही हाथ से। हम जानते हैं नवरिया पहाड़ में कितना गहरा गहरा कुआं खोदा जाता था और वहां से पानी निकालकर ड्रम में लाकर भरो और फिर चलता है इसे। ये किससे हम सीखे, ये ऑब्जर्वेशन, ये टैलेंट कहां से? यही को कहा गया है ग्रिट। इसी को कहते हैं कि वो आज भी प्रिय बंधुजन लकड़ी काट कर चूल्हा बार कर और जलाना। ये अभी पता तो कहने लगे क्या बेटा भाई गोबर ला कर आना घरे, हाथ देखिए इतना मुलायम है। मुझे तो ख्याल है हमारी वो पीछे जो फुआ बैठी है ना, उनके हम जाने थे जब अपन पूरा घर लीप दे एक एक रकम के मांग गाय के गोबर में, इसको कहते हैं एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक। दो मिनट लूंगा, हमारे काका जो भारत अमेरिका में, इसे हमने बताया उन्होंने कि बोले अमेरिका में इसे है और क्या हो सात सात घटना है इसे कहा है। बोले एग्जाम में भागवत बैठा गया तब बोले भागवत के पंडित जी ने बताया, बोले जाओ गाय गोबर लगाना और अंजित गाय गोबर से हम लिप कर वहां पर यह भूमि बनाएंगे। हाँ तो बोले भागवत से पहले जो व्यक्ति था घर वाला वो गया और गाय का गोबर उसको डंग कहते हैं डंग काउस डंग लाकर भर कर कंटेनर में रख के फ्रिज में अच्छा से भर दिया। हाँ जब आखिरी दिन बोले उसको यूज करेंगे ठीक है। तो ऐसे हुआ तो ऐसा हुआ और घर दिया उसको फ्रिज में। तो जो वहां पर है लोग क्या करते हैं कि ठीक है चलो नहाना पीना बाद में नहाना पीते तीन चार बजे ऐसे नहाना पीते पीते पहला दिन चौथा दिन दूसरा दिन पूरे चौथा दिन क्या हुआ लोग बैठे थे नहाना पीकर और फिर जो घर वाला जो स्त्री आती थी जो खाना सब रेडी थी वो खा ले चले गए और लोग बैठे नहाना पिए क्या दालों के भाजी नहीं मिले, दालों के भाजी बहुत मुश्किल से मिले। तो ये खोला और कंटेनर है भूल गया तो सोचा अरे ये लोग जिन्हें महिला मंडल जो है डालों के भोजन बना कर रखते हैं और अपने खाए के लिए हम लोग करें थी निकाल रहा है और निकाल कर रहा है डालों के भाजी और ग्रुप ग्रुप में सब डालों के भाजी दे रहे हैं। लेकिन देखो कुछ हमने किया भोजन में है हाँ वो तो एंटीबायोटिक है ना। हाँ हम जब ग्रुप हुए थे गौमूत्र हमको पिलाया गया था ये। हाँ तो सुबह जब हुआ तो घर वाला अपनी घर का से बोलता है आप लोग बड़े नाइंसाफी करते तुम लोग डालो भाजी ले चुपके फ्रिज में रखते करते कहाँ बनाया मैंने मैं कहाँ बना अरे मैं फ्रिज में था कंटेनर में। पत्नी बेचारी दौड़ की गई देखी बोले गाय क्यों भर गई तो ऐसे प्रिय बंधु जब ये है गाड़ी जो कुछ है रोक देना पड़ेगा गौ माता को। इतना परमात्म भारत देश में गौ माता को दिया गया प्रिय बंधुजन। इसलिए हम सनातन कहते हैं गौ हमारी माँ और बैल हमारा पिता। ठीक है इन्हीं शब्दों के साथ मैं भी यहाँ से विराम लेता हूँ और चलो पंडित जी यहाँ से आगे का जो कार्य क्या शांति पाते हैं चलिए स्वास्थ्य की बात चुपाना हाथ को खोल लें। तीन दिवस से यज्ञ हुआ परमात्मा से विनय प्रार्थना करो। इस मंडली में जितने भी यहाँ पर प्रधान क्या जो हैं और जो थे अभी नहीं हैं किसी भी लोक में परमात्मा ये जो आज हम सब यज्ञ किए उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान करे। विश्व की शांति की याचना कर रहे हैं प्राणी में कल्याणता एकता सदा बनी रहे यही हमारी आपसे मांग है। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ता न्यायेन मार्गे महीमनिषा
ब्राह्मणाभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोका समस्तास्तु सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं पात्रिणां सन्तोपपात्रिणां निधिनां सदनां सन्तो जीवन्तु शारदां सुखं हाथों को जोड़ी भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु परमात्मा इस तीन दिवस से यज्ञ के अंतर्गत में हमसे कुछ भी भूला चुका हो सो परमात्मा हमको क्षमा करें। हम जगत में आप पूर्ण हैं, पूर्ण ब्रह्म आप हैं, ऐसे में प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। ओम नमः शिवाय मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यद् पूजितं परिपूर्णं तदस्तु निःशरणं। ओम अस्तु मा सद्गम तमसो मा ज्योतिर्गमय निर्गमामृतंगमय। ओम भव शान्ति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति राप शांति रुष्णया शांति वनस्पति शांति विश्वेदेव शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांति रेवा शांति शावा शांति रामायण मंडली
$50 $25 से मिलान शुरू अर्पण करते हैं। तो चले हम इनको करता धनी से धन्यवाद। साथ साथ में ज्ञान दीपक रामायण मंडली पूजा उनको भी $50 $25 से मिलान शुरू अर्पण करते हैं। और उनके साथ साथ में जो मंडली 3 दिवस से लेकर यहाँ पर अपना योगदान दे रही है सुसाधना परिवार उनको भी ये नकामा विष्णु रामायण मंडली अपने महिला मंडल के साथ होते हुए आज $50 $25 से मिलान शुरू अर्पण कर रहे हैं। सभी के लिए प्रसाद महाप्रसाद का प्रबंध है और प्रसाद महाप्रसाद का भोग लगाकर अपने अपने तर्क द्वार को उपस्थित हमारे मानस श्रोता के एक बार फिर हम आप सभी को धन्यवाद दे रहे हैं। पंडित जी को धन्यवाद दे रहा हूँ, तमाम जनता को धन्यवाद दे रहा हूँ। बड़े शांत वातावरण को आप कायम करके और आज कथा को सुनेंगे। ये चलिए हम अपने सहायक प्रधान से आग्रह करेंगे भाई श्री सतीश लाल जी से छोटी सी पुष्पहार की भेंट है। चलिए हम अपने मास्टर जी को हम स्वागत तालियों से धन्यवाद दें, शानदार ताली एवं भाई श्री शिवदास शर्मा जी आपकी हम क्या वाक्य मेरे पास में है या नहीं है, लेकिन यूं मैं कहूंगा कि कवियों में कभी सम्राट गौस्वामी जो सिद्धार्थ जी थे, लेकिन आज कल से आप लेकर आज तक लेकर यूं मैं कहूंगा कि सम्राट कवि में भी आप एक कवि हैं। चले एक और बार हम शानदार तालियों को दे शानदार ताली दे। बहुत ही बारीकी से आप रामायण महाराज की कथा को कल यानी धर्म प्रचार की और आज विसर्जन की ओर मुड़ते हुए आप इतना व्याकुलता में लाकर आए हमारे सभी मेम्बरानों के आंखों में अश्रु का धार बह गया। किस प्रकार से हम 8 वर्ष रामायण महाराज की कथा को करें लेकिन बहुत गंभीरता में और आज का विषय हुआ, ये हम आभार प्रकट करते हैं आपके चरणामृत में कि आपकी जो माता पिता का आशीर्वाद है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद, कुल गुरु का आशीर्वाद, आज उसी मोड़ और उसी तहत आपको संपूर्णता में ले जाकर और आपकी जो मस्तिष्क है वहां पर भगवान का भंडार ऐसे भरे हैं कि आप सर्वसर्व जिला का शासन हमारे सरकार है। और आशा है कि जैसे आप सदा दिन पृथ्वी पर यानी ग्राउंड में रहते हो लो प्रोफाइल में इस प्रकार आप रहे और आपकी उन्नति जो भी परमात्मा लिखे वो आप उस शिखर पर चलते चला जाओ। और उम्मीद है कि आप एक देश के लिए अच्छा नागरिक बनेंगे। आशावादी है कि जो भी भगवान की इच्छा है उनको आप हमारे सर्वसर्व जनता के लिए पूर्ण करने के लिए तैयार है। तो मैं एक बार फिर आज ऐसा दिवस है देवी सज्जन और ऋषि महर्षि जी ने शुभ कहा कि जब हमारी गिरिमिटियां यानी हमारे पूर्वज जब आए थे तो आज वहां पर भी कार्रवाई चल रहा है नागुआ जिला में जहां पर वे आकर और अपने जब संधि को बनाए थे फिजी टापू में और जाकर पहला रामलीला को उस नगरी में किए थे। और आज इस वर्ष सन 2022 का साल चल रहा है और वहां भी आज एक रामलीला
गिरमिटियों के नाम से डाली जाती है सत्संग रामायण मंडली जो लामी का है। तो इतना बड़ी तादाद में लोग वहां पर उपस्थित हुए हैं, मेरे बेटे जी ने भेजे फेसबुक पर मैसेंजर में कि संख्या इतना बड़ा वहां पर बैठने का जगह नहीं है। और देवी सज्जनों, ये शक्ति हमारी वही पूर्वजों का यहां पर है। जैसे मास्टर जी की मस्तिष्क पर रामायण महारानी की बूंदे की धार पड़ी है और फोड़ फोड़ कथा कूट कूट कान में भर दिया। आशा है कि हमारे मेम्बरांगन जो अभी है और पिछड़े हैं, और ये मंडली की दरवाजा सभी के लिए खुली है, हर वक्त खुली है और खुले रहेंगे। और आप किसी भी समय जब जब भी यहां पर हमारे रामायण महारानी की पाठ हो आप चले प्रसाद को आप पायन करते रहे। मेरे पास में कुछ लिस्ट है, अगर आपके पास में दान है आप भेजा सकते हैं, हम यहाँ पर लिख चुकेंगे और उनको हम आप तक पेश करेंगे। लेकिन उनसे पूर्व मैं धन्यवाद का पत्र दे रहा हूँ और हमारे कार्यकारिणी कमेटी एक बार फिर मास्टर श्रीलाल शर्मा जी को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दे रहे हैं। अपने भाग्य से आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि आप भली भांति आकर हमारी जो कथा था उसको विराज तक पहुंचा कर फिर हमको मौका दे दिया कि ब्राह्मण जी के साथ में कथा को आगे बढ़ाएंगे। ना जाने 8 वर्ष 9 वर्ष अब 10 वर्ष में कौन रहेगा, लेकिन ये स्तंभ आप दे चुके मास्टर जी कि आपका भाग्य था। और वो जो फूल के हार हम दिए हैं मां से प्रार्थना करते हैं ले जाकर हमारे मामा श्री के चरणों में आप रखें, क्योंकि उनका भाग्य बहुत बड़ा था इस मंडली का और भगवान का ही सब झलता है और रुकता है। उनका भी कराया मात्र आज उनके भगवान की भगवान के पग में आज उनका भी माता नवाय होगी कि आज हमारी मंडली का एक चौथा विश्राम घाट तरफ पहुंचे, तो उनको भी आप शुभ संदेश देना। पंडित जी को भारतीय धन्यवाद दे रहे हैं मंडल पुष्प मंडल की ओर से ब्रह्म देवता हमारे, एक बार फिर हम आपको आभार प्रकट करते हैं। और आपकी जिस भी कार्रवाई से आप हमारी समिति को लेकर हमारे समाज को लेकर नकामा की मंडली के समाज को लेकर आप आगे बढ़े हैं और हर्ष उल्लास के साथ में आज अपना विसर्जन तक पहुंचे, आपको तमाम तमाम शुभकामनाएं आपकी आपके बेटे के लिए और आपके धर्मपत्नी के लिए। धन्यवाद। साथ साथ में हमारे जो नाव थे बाले श्री धर्मेंद्र दास जी, आपको भी मैं बारंबार धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप अपने समय को निकाल करके हमारी मंडली की कार्रवाई को अपराम देव जी के साथ में आप पूर्ण रूपेण तक पहुंचाए। और ना भूलते हुए भाई श्री बसंत लाल जी जो हमारे साथ में विधिक कार्रवाई में काम किए, सूर साधना की जो प्रचारक है और उनके परिवार है, हम एक बार फिर सूर साधना परिवार को बारंबार धन्यवाद दे रहे हैं जो आप अपना समय को निकाल करके आकर प्रथम बार यहाँ पर प्रथम दिवस पर अपना प्रचार प्रसार किए। मास्टर श्रीदास शर्मा जी को धन्यवाद दे रहे, फिर से रोज म्यूजिक के भाई रोज जी आपको धन्यवाद दे रहे बारंबार। जहां पर भी मैं देख रहा हूं कि जहां पर भी हमारे धर्म संस्कृति सभ्यता का कार्य हो रहा है अच्छे अच्छे लोग नहीं नियम कर पाते, लेकिन भाई जी 11 रोज 9 रोज 8 रोज अपना भगवान के प्रति नेम करके और जाकर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं कि साहू जिला में भी आई कोई कम नहीं है। चले हम तालियों के धन्यवाद से उनको तालियों के धन्यवाद दे। मैं जब उनको चार भाई चार पूछा कि आपको कुछ हम देंगे मंडली के अंदर, भाई अपना समय को निकाल के आप आए, बोले भाई जी इसमें कोई चार्ज मिला नहीं है। धन्यवाद भाई लोग, हम आपसे आभार प्रकट करते हैं और भगवान आपके आशीर्वाद दें और ये मंडली भी आपके लिए खुली आगे कभी भी आपकी पुकार पर हमारी मंडली आपके लिए खड़ा होने के लिए तैयार है। धन्यवाद। और भाई श्रीमान श्रीमती अरुण प्रसाद जी मुझे आज खबर दी कि भाई जी मैं बीमार हूँ और नहीं आ पाऊंगा, कल थे उनके द्वारा पहला रात्रि को महाप्रसाद यहाँ पर बना, उनके परिवार भोजन सामग्री दिए थे। साथ साथ में धन्यवाद है संदीप आपको भी जो साउंड सिस्टम और आपके साथ में पुनल दमा जी आपको मैं धन्यवाद दे रहा हूँ बड़े रौनक से और रौनक से हमारे कार्यक्रम हुआ। अगर साउंड नहीं रही थी
तो इस जमाने में अगर सामने कुछ नहीं है, कितना अच्छा गला रखो, लेकिन जो कन्फ्यूज यहाँ पर हो रहा है कभी कभी, अच्छा अच्छा भारी भारी समाज में साफ सौ के बीच में भजन बदल जाता है। तो हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं दोनों जन को, और जिसको भी साथ में आप रखें आप सभी को धन्यवाद है साउंड सिस्टम में, यानी साउंड पहुंचाने के लिए। और जितना भी मंडली, तमाम प्रधानगण, सचिव, कोषाध्यक्ष, कार्यकारिणी कमेटी, जो भी यहाँ पर तिथि दिवस में आकर भाग लिया हमारी पूजा में, तमाम मंडलियों को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, अपने बड़े मंदिर के प्रधान को धन्यवाद दे रहा हूँ जो यहाँ पर आए थे, आपको सभी को मैं महिला मंडल पुरुष मंडलों से धन्यवाद दे रहा हूँ। और हमारे जो महिला मंडल और पुरुष मंडल के मेम्बरानगण है और जो नहीं भी है अपना योगदान प्रदान किए, आपको बार बार धन्यवाद दे रहे हैं कि आप अपना समय को निकाल करके यहाँ नीचे बैठने के लिए आप शेड बनाए और पंडाल बनाए हमारे सहायक प्रधान जी के साथ में, आपको मैं बार बार धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप अपना समय को निकाल कर आए। मैं एक बार फिर अपने भाई उषा के लिए धन्यवाद दे रहा हूँ कि जो आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके और कुछ शब्द भी होते हुए और लेकिन आकर हमारी जो कार्य था उनमें आप चार चार दिला दिए, मैं आपको बार बार धन्यवाद दे रहा हूँ और आपके परिवार को ना भूलते हुए महिला मंडल को भी धन्यवाद है संदेशों से कि आज हमारी समाप्ति, आप अपने समाप्ति पर आ गए लेकिन मंडली के दरवाजा आप सभी महिला मंडल की नारियों के लिए खुली है, जब जब भी आप आए आप आकर पूजा पाठ कर सकते हैं या हमारे साथ में बैठकर रामायण भी पढ़ सकते हैं, धन्यवाद। और ना भूलते हुए भाई श्रीमान श्रीमती सतीश लाल जी हमारे पड़ोस में रहकर कई भी कार्य ऐसे मंडली में हुआ जहाँ पर खाना पकाने में या कुछ कमी आ रहा दौड़ कर विचार अपने घर से लाकर पूर्ति करते हैं, जैसे मास्टर जी ने बताया लव यू डे। हमारे में एक बहुत ही वरिष्ठ कार्य है कि भाई सतीश लाल जी जब जब भी मंडली में कार्य पड़ा और अगर घर पर वो नहीं उनका धान नहीं कुछ भी बचाव मांगने के लिए सही जाए वहां पर कार्रवाई पूर्ति हो जाती है। और नाम भूलते हुए भाई जी आपको धन्यवाद दे रहे हैं एक बार फिर, हमारे जो मंडली के आप सहायक प्रधान हैं इस कार्रवाई को लेकर आप चले, जब उनको पता लगा कि प्रधान जी कुछ बीमार है और आप बहुत ही बड़ा बोझ को उठाकर और आगे को बढ़े हमारे ब्राह्मण जी के साथ में, मैं बार बार आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। और नाम होते हुए आपको एक बार फिर धन्यवाद दे रहा हूँ, जो 3 रोज का भोजन आप पकाए हैं, बहुत सुंदर स्वादिष्ट भोजन था, जो रोज आज पता लगेगा कि कैसे है, किनका हाथ और लगा है। और अरुण भाई अरुण जी के बेटे सनी जी को धन्यवाद दे रहा हूँ हमारे साथ में होकर, वो भी आज एक हमारे बावड़ी बाबा थे और साथ में कुनल और जोनी और जो हमारे मंडली के सदस्य थे, आप सभी को हम तमाम तमाम धन्यवाद और शुभ आशीर्वाद देते हैं। अगर हमारी मंडली की कार्रवाई में 3 दिवस के कोई जगह पर किसी को अगर माला नहीं पहनाया हुआ हो या कोई को धन्यवाद नहीं बोला है या किसी प्रकार की त्रुटियां हुआ हो तो आप सब हम मंडली के जो मेम्बरान है उनको नादान और अपना जानकर क्षमा करेंगे। एक बार फिर जाते जाते जय श्री सीताराम। और भाई ये दरवाजा मैं बार बार बोल रहा हूँ आपके लिए खुली है, आप फिर चलेंगे, ऐसे नहीं हो कि आप नहीं आना, हम आपके राह को हर वक्त और हर साल हर वर्ष ही देखते रहेंगे। जाते जाते जय सियाराम सभी के लिए, माँ प्रसाद और नीचे सभी के लिए तगड़ा निमोना का प्रबंध भी किया गया है ना भूले, ये भी हमारे कुल रीति धर्म रीति और राजनीति में आ गई है इसको भूलेंगे नहीं, ठीक है। और साथ में तगड़ी भोजन भी बनी है, आज शनिवार है, रोजा अभियान बन रहा है रविवार को, धन्यवाद।